हेलो फ्रेंड्स, रिंकू किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ। और फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मेरे ओर से शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। और फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फ्रेंड्स, देर किस बात की, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल पे कीजिए। तो चलिए फ्रेंड, रेसिपी को शुरू करते। तो फ्रेंड्स, मेरा बेटा का आज बर्थडे है, इसलिए मैं बना रही हूँ खीर। क्यों ना आपके साथ ये खीर शेयर किया जाए फ्रेंड। इसलिए मैं आज आप सभी को खीर बना के दिखाऊंगी, वो भी खजूर का गुड़ से। तो देखिए फ्रेंड क्या क्या लग रहा है। 100 ग्राम चावल, गोलदाना चावल लिए हैं फ्रेंड, 200 ग्राम खजूर का गुड़, 2 तेजपत्ता, काजू, किशमिश। तो फ्रेंड्स, 1 लीटर मैंने दूध लिए हैं। दूध में उबाल आने तक फ्रेंड्स वेट करते हैं। ये फ्रेंड्स, दूध में उबाल आ चुका है। अभी इसमें हम डाल दे रहे हैं 2 तेज पत्ता। तो फ्रेंड्स, चावल को मैंने 2 मिनट तक भिंगो के रखे थे, इसको भी हम डाल दे रहे हैं अभी। देखिए फ्रेंड्स, इसको लगातार चलाना चाहिए, नहीं तो नीचे लग जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, खजूर का गुड़ से जो खीर बनता है बहुत ही टेस्टी लगता है। ये जो खजूर का गुड़ है ये तो सिर्फ ठंडा के मौसम में ही मिलता है। देखिए फ्रेंड्स, काजू किशमिश को हम 2 मिनट पहले से भिगो के रखे थे, इसको भी हम इसमें डाल दे रहे हैं। लगातार हिलाना होगा, नहीं तो लग जाएगा नीचे। देखिए फ्रेंड, 10 मिनट हो चुका है, अभी तक भी नहीं हुआ है चावल जो पूरा नहीं पका। देखिए फ्रेंड, चावल जो पूरा बॉयल हो चुका है, अभी इसमें हम डाल देंगे गुड़। गैस को बंद करके गुड़ को डालिएगा। तो फ्रेंड्स, आप मुझे बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर इसका कलर आया है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप पहले गुड़ दे देते हैं तो क्या होता है, इसमें दूध जो पूरा कट जाता है, इसीलिए गैस बंद करके हम आपको देने बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, खीर बनके तैयार है।